अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और स्पेशली बच्चों के लिए सिंपल। मैं आप लोगों के साथ जो है वो एग जो सैंडविचेस हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल एग्स ले लिए हैं, उनको इस तरह बीच में से काट रही हूँ। ठीक है जी, काट के इधर साइड पर रखते जाएंगे। बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपने देखा मैंने बिल्कुल हार्ड बॉयल है एग्स नहीं लिए, थोड़े से सॉफ्ट ही लिए हैं। तकरीबन इसको हम कुक करेंगे 7 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, तो 7 मिनट्स के लिए हमारे जो एग्स हैं वो बॉयल हो गए। मैंने बीच में से काट के इसलिए देखा कि कोई बिल्कुल ही कच्चा तो नहीं है। तो ये तकरीबन 4 अदद मेरे पास अंडे हैं, साथ ही मैंने जो है ना इसको कांटे से थोड़ा सा मैश कर लेना। ठीक है, हल्का हल्का अंडे को मैंने बिल्कुल रैंडमली जो है वो मैश सा कर लिया है। साथ ही मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो बता दूं, मैंने तकरीबन मेयोनीज ली है 2 टेबल स्पून, वो इसके अंदर चली जाएगी। जब मेरी अम्मी बचपन में बनाती थी अलग सैंडविचेस तो वो हमेशा बटर डालती थी, मेयोनीज नहीं डालती थी। तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप नहीं डालना चाहें ना डालें। और तकरीबन मेरे पास 3 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर पे हुआ हुआ बटर है। ठीक है जी, ये इसके अंदर चला जाएगा। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और स्पेशली आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ट्रॉलीज वगैरह में जैसे मेहमान आ रहे हैं तो भी आप इसको सर्व कर सकते हैं बिल्कुल लेस इंग्रेडिएंट्स। और ये बेसिकली बहुत पुरानी रेसिपी है, पुरानी जो ओरिजिनल कुक बुक्स होती है उनमें आपको रेसिपी मिलती है। साथ मेरे पास जो है वो नमक है बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मेयोनीज में भी नमक है। अगर मेयोनीज नहीं डालेंगे तो फिर नमक की क्वांटिटी ज्यादा करेंगे। साथ ही स्पेशली क्रश जो है काली मिर्च, दैट्स इट, इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और थोड़ा सा जो है इनको बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा ही रहने देंगे। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट भी मैंने टेस्ट कर लिया। अगर नमक आपने कम तेज करना हो तो आप कर सकते हैं। सिंपल व्हाइट ब्रेड पे रख के मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल पतला स्प्रेड नहीं लगाएंगे। अगर आप पतला लगाते हो तो थोड़ा इसको ज्यादा कर लीजिए। और साथ के साथ मैं आपको टिप भी शेयर करूंगी, लेकिन आपने ये ट्यून रहना है। मैं दोनों टोस्ट पे इस तरीके से लगा लूंगी। देख लीजिए इसमें चंक्स हैं अभी भी, ठीक है ना, एग व्हाइट के वो चंक्स वैसे ही रहने चाहिए। और जो एग योक है बेसिकली वो उसके अंदर और मजीद क्रीमिनेस डाल देगा। सिमिलरली दूसरे पे भी लगाऊंगी। और जिन लोगों को स्मेल सी आती है अंडे की योक से, वो बेफिक्र होके ये वाली रेसिपी बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है थोड़ा सा उसे ज़्यादा बॉईल कर लें, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि फिर वो जो उसकी क्रीमीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने दूसरा टोस्ट इसके ऊपर रख दिया है। हमेशा हमेशा याद रखें, दिस इज़ अ प्रो टिप, कि कभी भी आपने सैंडविचेस बनाने हैं तो आपने हमेशा उसकी फिलिंग पहले करते हैं और बाद में उसको काटते हैं। ठीक है जी, इसलिए क्यों इसलिए काटते हैं कि जो एक्सेस है वो आपके एंड तक आ जाए, मतलब एक्सेस रिमूव हो जाए और जो एंड तक सारा जो हमने मटेरियल डाला है वो इसके ऊपर आराम से आ जाए। वरना अदरवाइज क्या मसला होता है कि हम जब इस पहले अगर इसके एजेस काटते हैं तो हमारे पास कॉर्नर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आते और कॉर्नर्स तक भरता नहीं है, जो हमारा मटेरियल है वो उसके अंदर फिलिंग फिल नहीं कर पाता। सिंपल हम पुराने तरीके से इसको ट्राइंगल ही काटेंगे। और ये पिंकिंग नाइफ होती है स्पेशली ब्रेड्स के लिए। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये सैंडविचेस पहली दफा अपने लैब में बनाए थे, मैंने सीखे जब मैं पढ़ रही थी, तो मेरी टीचर बोलती थी कि इसको उठा के ऐसे चेक करती थी, अगर ये दोनों खुल गए आपस में तो आपका सैंडविच अच्छा नहीं है, अगर ये दोनों बंद रहे हैं टोस्ट तो आपका सैंडविच अच्छा है। तो जब भी आपने सैंडविच बनाना है उसको ऐसे हिलाकर देखना, अगर ये दोनों बीच में से खुल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके सैंडविच में अभी भी मॉइस्चर कम है। ठीक है, मैं इसको सिंपल डिस्प्ले कर दूंगी। मैंने सारे सैंडविचेस इस तरीके से बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सैंडविच ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। सैंडविच ब्रेड से तकरीबन 4 ट्राइंगल्स निकलते हैं, यानी एक यूं पूरा क्रॉस बनाते हैं। मेरे पास ये रेगुलर साइज की जो है वो ब्रेड है। साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ी सी गार्निशेज भी बता दूँ। मैंने कहा आज जो है वो वीडियो में मेरे पास टाइम है तो चले थोड़ी सी आप लोगों को बता दूँ। सिंपल मैंने गाजर ले ली, उसको पीलर से इस तरीके से निकाल लिया है, जो सेंटर का है उसको मैं सिर्फ छुरी की नोक से एक बारीक सी एक स्ट्रिप निकाल रही हूँ। ये बड़े अच्छे कर्ल्स देता है, ठीक है,
ये वाला जो स्टाइल है, ये आप क्यूकम्बर्स में भी कर सकते हैं और मूली वगैरह में भी कर सकते हैं। जिसमें फिर इस तरीके से हो गया, मैंने सिर्फ ठंडा पानी लिया हुआ है, उसके अंदर ये डाल दूंगी। लेकिन मैं आपको पहले वाले निकाल के दिखा दूं। ये पहले वाले इस तरीके से इसके कर्ल्स तैयार हो गए हैं, बहुत ही जबरदस्त से। ये वाले इसके अंदर चला जाएगा, पानी अभी भी ठंडा है। साथ ही मैंने पेपर टॉवल से इसको थोड़ा सा खुश कर लिया, ताकि हमारी जो डिश है उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर या कुछ भी नहीं जाए। दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब भी आप ये सैंडविचेस पूरी बना लेते हैं, ट्रे को जो आपकी ट्रे है, मेहमानों के आने से पहले आपने पूरी ट्रे सेट कर ली, तो आपने क्या करना है, कोई सा भी किचन टॉवल लेकर या किचन का जो कपड़ा होता है, रोटी का कपड़ा, उसको अच्छे इस तरीके से गीला कर लें, उसको निचोड़ लें और उसको ढक के इसको कवर करके रख दें। और अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो बेहतरीन है कि आप क्लिंग यूज करें, वो काफी देर तक इसका मॉइस्चर अंदर रखती है। तो सैंडविचेस आई गेस के उसका मजा नहीं आता अगर वो हार्ड हो जाए, तो सैंडविचेस को हमेशा हमें सॉफ्ट ही रखना होता है, मॉइस्ट ही रखना होता है। ठीक है जी, तो ये मैं रोल करके इस तरीके से इधर रख दूंगी। रैंडमली आप कोई सा भी कलर इसको करना चाहें, दिस इज जस्ट टू गिव अ लिटिल लाइक एक्स्ट्रा थोड़ा सा टच हमारी डिश को, बस दैट्स इट। क्योंकि वो वैसे वैसे ही उसकी शक्ल थोड़ी ब्लैंक सी होती है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ऑरेंज से गार्निश कर दिया जाए। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत ही सिंपल है, आपने देखा बहुत ही क्विक है और बिल्कुल लो बजट रेसिपी है। जरूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसी लगी। मजीद रेसिपीज के लिए प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।